टोटल ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया है केएफसी ने, टोटल ऑर्डर जहाँ जहाँ कहा गया था, पॉइंट आउट किया गया था, वहाँ से इंक्रोचमेंट रिमूव की है। जहाँ हर्डल्स थी आज हमने फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। इसके किडनी हिल के क्लेमेंट भी आए हुए थे ओवरसीज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिक्वेस्ट रद्द की है, ख़त्म की है, और किडनी हिल पार्क को फाइल किया है जो कि 62 एकड़ है। हमने अपना काम पूरा कर लिया है, PC1 बना ली है। कराची का एक तोहफा होगा इंशाल्लाह, ये बहुत बड़ा पार्क होगा, इस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम काम शुरू करेंगे। हमने कोर्ट से ये भी कहा है कि जो PC1 की अमाउंट है जो इसमें ख़र्चा आएगा वो सिंध गवर्नमेंट को कहा जाए कि वो उसकी फंडिंग करें, जो कराची का ड्यू शेयर मिलता है उसमें से शेयर दें ताकि कराची के लिए एक ये बहुत बड़ा पार्क लोगों को मिले। बकराईद आने वाली है, क्या प्लानिंग है? अभी तो कराची क्लीन कैंपेन भी आ गई है सामने, उन्होंने भी जो है डोनेशन के लिए शहरियों से अपील कर दी है, आप समझते हैं कि ये जो कैंपेन चलाई जा रही है ये कामयाब होगी? देखिए मेहनत सब कर रहे हैं, FW बोर्ड पे है, मिनिस्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, KMC ऑन बोर्ड है, और KMC का ही इशू था ये, KMC ने ही फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है जिससे ये मसाइल हल हों, लिमिटेड रिसोर्सेज है बहुत। तो जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट सामने आई है और अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे, नाले क्लियर करेंगे, जितने नाले हैं उनको बेहतर करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपकी रिक्वेस्ट पर फेडरल गवर्नमेंट ने इन्वॉल्वमेंट शो की, लेकिन बाकी वजीर साहब तो फंड मांग रहे हैं कि इतने करोड़ चाहिए हमें, फंड कम जमा नहीं हो रहा है, जब फेडरल गवर्नमेंट भी लोगों से फंड इकट्ठा करेगी काम करने के लिए तो काम कैसे होगा? देखिए दूसरी बात यह कि सईद गनी को हटा दिया गया है मिनिस्ट्री से, उनकी मिनिस्ट्री चेंज होगी, कोई बेहतरी आएगी, आपके कोई रिलेशनशिप बेहतर होंगे? देखिए सईद गनी साहब भी, उनसे भी अच्छा कोऑर्डिनेशन था, वो भी काम करना चाहते हैं, अब उनकी जगह सिंध गवर्नमेंट के फैसले हैं ये, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। नासिर शाह साहब आए हैं, उनसे भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो KMC के फंक्शंस हैं उसको जैसे 2000 ये जो आपका 13 का एक्ट बना है उसके मुताबिक KMC को काम करने दिया जाए, उसके फंक्शंस वापस किए जाएं जो ले लिए हैं, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है वो डिपार्टमेंट KMC को वापस किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब सी रिमार्क्स दिए गए गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, जो एडवोकेट क्या नाम है उनका, सलमान साहब ने जो रिमार्क्स दिए KMC के लिए या हमारे लिए फंड से रिलेटेड, बिल्कुल उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ था, उनको SLGA का पता ही नहीं है। आर्टिकल 140A इन लेटर एंड स्प्रिट इम्प्लीमेंट होना चाहिए, अगर कोई गौर से SLGA पढ़ ले, KMC के फंक्शन पढ़ ले, रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकता है वो पढ़ ले, तो बात करें कोर्ट में। कोर्ट में सियासी स्टेटमेंट दे देने से आप क्या सियासतदान हो गए हो? ऐसे नहीं होता है। आप ये तो देखो कि KMC के साथ ज्यादती क्या हो रही है, आप KMC को मशवरा दे रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को मशवरा दो ना कि करप्शन खत्म करें। देखें ये अब डिपेंड करता है, उन्होंने ऑन किया है अली जैदी साहब ने, फंड भी वही जनरेट करेंगे, इमरान खान साहब से लेंगे, फेडरल गवर्नमेंट से लेंगे, कहीं से लेंगे, हमें तो डिलीवरी चाहिए, काम चाहिए, नाले साफ हो जाएं, कराची साफ हो जाए। एक चीज सर देखा सुबह, जिस दिन से ये इस कंपेन का ऐलान हुआ है ऐसे लगता है कोश एरियाज, वो दूसरे इलाकों में तो होता ही था, कोश एरियाज में भी गटर उबलना शुरू हो गए, अचानक ये क्या हो गया, सारे नाले चौक हो गए क्या? ये तो वाटर बोर्ड से सवाल करें आप, उसके डोमेन में आता है, सिवरेज डिपार्टमेंट उसी के पास है, मेरे पास वाटर बोर्ड नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के पास है। कचरा उठाना के सरबरा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनसे सवाल करेंगे क्यों गंदा है शहर, सीवरेज क्यों उबल रहा है सारे शहर में, मेरे पास ये दोनों महकमे नहीं हैं।